बात पंजाब के होशियारपुर जिले की, जहां मिश्रा कुटिया आश्रम के स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप पर जानलेवा हमला हुआ है। बीती रात आश्रम में लूटपाट के इरादे से कुछ लोग घुसाए, उन्होंने स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप पर हमला कर दिया। बाद में उन्हें बंधक बनाकर आश्रम में लूटपाट की और फिर अलमारी में रखा हुआ कैश और सोना लेकर फरार हो गए। बदमाशों के हमले के बाद स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप ने मदद के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे। फिलहाल स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। महाराष्ट्र के पालघर के बाद अब पंजाब दूसरा ऐसा राज्य कांग्रेस शासित राज्य बन गया है, जहां पर संतों को लॉकडाउन में निशाना बनाया गया है। ए जी, रात की वारदात है, 9:39 से एक बंदा एंटर किया मेरे कमरे च, अचानक हाथ से चाकू सी ते उस बंदे ने मेरे ते हमला शुरू कर दिता। मैं उदा मास्क मुस्क उतारन की परना जो बनिया से उतारन की कोशिश की, पर मेरी रिटेलीशन का उन्होंने एक बंदा होर नाल आ गया, पूरी तरह नाल जवाब दिता। उन्होंने मेरे मुंह नूं लपेट दिता, गला घुट दिता और चाकुआं दे वार किए। मेरे नाल बहुत जिदोजहद की, काफ़ी कोल मथोल होया ते मेरे को पैसे मंगन लगे। मैं अलमारी चो लै लो, तो उन्होंने अलमारी चो मेरे जो कैश से कढ़ लिया, होर भी समान कढ़ लिया, जरा भी थोड़ा जहा दो तीन अंगूठियां और चेना की एक छोटे जे पर्स भी सिगा, वो भी गायब है क्योंकि वो पर्स नीचे डिगया पे, हुन कन्फर्म हो रहा है। तो पालघर के बाद होशियारपुर में साधु पर हमला हुआ है, ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं हम। मिश्रा कुटिया आश्रम में बीती रात घुसे कुछ बदमाश, कोरोना कर्फ्यू के बीच आश्रम में घुसकर लूटपाट की कोशिश की गई। बदमाशों ने स्वामी पुष्पेंद्र पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप को बंधक बनाया, फिर आश्रम में भी लूटपाट की। आश्रम की अलमारी से रखा हुआ कैश और सोना लूटकर फरार हो गए बदमाश। बदमाशों के भागने के बाद स्वामी पुष्पेंद्र ने चिल्लाकर मदद मांगी। प्राथमिक उपचार के बाद स्वामी पुष्पेंद्र को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। स्वामी पुष्पेंद्र पर हमला करने वाले बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फॉर नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.